ऐतिहासिक किले पर योग दिन कार्यक्रम किया गया। विश्व योग दिन मौके पर इको प्रो की ओर से स्वास्थ्य और ऐतिहासिक वारसा संवर्धन का संदेश दिया गया। विश्व योग दिन मौके पर चंद्रपुर किला परकोट से योग दिन मनाते अपना स्वास्थ्य व शहर का ऐतिहासिक वारसा संवर्धन करने का संदेश इको प्रो संस्था की ओर से दिया गया। चंद्रपुर शहर के 11 किलोमीटर लंबाई 550 वर्ष प्राचीन गोंदकालीन किला परकोट की स्वच्छता अभियान 1000 अधिक दिन निरंतर चलाते स्वच्छता की, जिसके बाद इसी किले से पर्यटन के लिए हेरिटेज वॉक इस उपक्रम की शुरुआत की गई, जिससे नागरिकों का खासा प्रतिसाद है। साथ ही इस किले का संरक्षण हो, स्वच्छता कायम रहे, इसलिए योग दिन का आयोजन किया जाता है। चंद्रपुर किला परकोट को करीब 39 बुरुज, 4 मुख्य गेट और 5 खिड़की है। इस स्थान किलागार योगा व्यायाम करने उत्तम जगह है। यह स्थान शहर के चारों ओर है। इस सभी स्थान स्थानिक नागरिक, युवक या योग समिति ने नियमित उपयोग करने पर कायम स्वच्छता रहेगी और अपने शहर का ऐतिहासिक वारसा संरक्षण संवर्धन करने लोग सहभाग भी मिलना सहजता से संभव होगा। सुबह रामाला तालाब के पास बगड़ खिड़की बुरुज 4 से इको प्रो कार्यकर्ताओं ने संस्था के अध्यक्ष पंडित धोत्रे इनके नेतृत्व में योग दिन का कार्यक्रम लिया। इस समय संस्था के नितिन रामटेके, धर्मेंद्र लुनावत, रवि गुरनुले, संजय सपनवार, अब्दुल जावेद, राजू काहिलकर, कुणाल देवगिरकर, सुधीर देव, राजेश व्यास, कपिल चौधरी, प्रमोद मलिक, जयेश पैनलवार, सचिन धोत्रे, सुमित कोहले, श्रीकांत पीपर तिवार, प्रीतेश आदि सदस्य शामिल हुए थे। आज 21 जून जागतिक योग दिवस आहे आणि आरोग्याच्या दृष्टीने योगा किती महत्त्वाचा आहे आज आपण सर्व जाणतो आणि कोरोनाचा जो प्रादुर्भाव आता चालू आहे आणि त्या अनुषंगाने आरोग्य जपणेही अत्यंत गरजेचं आहे। परंतु दरवर्षी आपण या ऐतिहासिक किल्ला परकोटावरून हा योग दिन साजरा करत असतो। यातून दोन उद्देश आमचे असतात की एक तर आरोग्याप्रती आपण सजग असलं पाहिजे, योगा व्यायाम आपण केलं पाहिजे, सोबतच आपला जो ऐतिहासिक वारसा आहे आणि चंद्रपूर शहराला वेढून 11 किलोमीटरचा हा किल्ला परकोटा, याला ठिकठिकाणी 39 बुरुज आहे आणि या ठिकाणी जर याला व्यायामासाठी योगासाठी जर आपण वापर केला तर एकीकडे आपल्या ऐतिहासिक वास्तूचं संवर्धनही होईल आणि दुसरीकडे आपण आरोग्यासाठी जे काही योगा व्यायाम करतो आहे त्याचाही प्रचार प्रसार होईल। म्हणून या ठिकाणी ऐतिहासिक वारसा स्थळावरून आपण हा दिवस साजरा करत असतो।